नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस रैपिड फायर के सीरीज में। और आज हमारा रैपिड फायर सीरीज में जो हमारा चैप्टर है ना, वो चैप्टर आपका कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आप देखे होंगे कि आप किसी ना किसी सेट में, हर एक सेट में एक क्वेश्चन इससे मिलते ही है, एक से दो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। ध्यान रखेंगे वो चैप्टर कौन सा है, पुलिस का जो प्रशासन व्यवस्था है ना, यानी पुलिस प्रशासन व्यवस्था से लेकर के जो क्वेश्चन आपके जीके में पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना आपकी 1863 में हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां था, तो यह बात ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय आपके प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय आपके कहां पे है, तो ये आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो ध्यान रखेंगे ये जो पुलिस अधिनियम आपका 1861 था, इसके अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय पुलिस अधिनियम के किस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे धारा एक जो है 1861 की पुलिस अधिनियम धारा जो एक है, इसमें क्या किया गया है, पुलिस को परिभाषित किया गया है। भारत में पुलिस सेवा शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड कार्नवालिस को जाता है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है, मछली है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगो का रंग क्या है, तो आपको पता है लाल और नीला जो आपका लोगो का रंग है। उत्तर प्रदेश पुलिस की मुख्य भूमिका क्या है, तो ध्यान रखे राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, ये इसका मुख्य काम होता है। पुलिस का फुल फॉर्म क्या है, अगर मैं बात करूं आपके 11 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है, पी से आपका पब्लिक, ओ से आपका ऑफिसर, एल से आपका लीगल इन्वेस्टिगेशन, आई से और आपका सी से क्रिमिनल, और क्रिमिनल के साथ ई से आपका इमरजेंसी, यानी पुलिस ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस की चयन प्रक्रियाओं में से एक नहीं है, ध्यान रखेंगे शारीरिक प्रशिक्षण आपको देना ही है, आपको अपनी शैक्षिक योग्यता देनी होगी और आपको अपने आयु के अनुसार ही ये फॉर्म फिल कर सकते हो, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है, 13 क्वेश्चन नंबर की बात करूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में थाना दिवस जो होता है ना, वो हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को क्या किया जाता है, थाना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रथम पुलिस महानिदेशक की अगर मैं बात करूं, तो नरेश कुमार आपके पहले क्या थे, पहले पुलिस महानिदेशक। उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस महिला कमिश्नर बनने का श्रेय लक्ष्मी सिंह को जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 16 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया था, और वो एंथम सॉन्ग आपका चट्टानों की जिद पिघला दी, यही इनका एंथम सॉन्ग है, ठीक ना। ये जो आपका चट्टानों की जिद पिघला दी ना, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपके रितेश राजवाड़ा हैं, और इसको गाया किसने है, तो कुंवर अंसित ने इसको गाया है। एंथम सॉन्ग जो है आपका चट्टानों की जिद पिघला दी, ये का मुख्य संदेश क्या है, तो पुलिस की शक्ति और समर्पण की बात इसमें कही गई है। एंथम सॉन्ग की किस विषय पर आधारित है, तो ये जो एंथम सॉन्ग है ना, ये पुलिस की सेवा और पुलिस का जो समर्पण है जनता के प्रति, उसको लेकर के ये एंथम सॉन्ग क्या है, उस पर आधारित है। यूपी पुलिस डायल 100 को कितना कर दिया गया है, तो आपको पता है डायल 112 कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजीपी के सिस्टम की बात करी जाए, तो डीजीपी का सिस्टम जो आया वो 1981 से आया, उसके पहले आईजी होता था। उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले डीजीपी जो थे वो महावीर सिंह गंगवार थे, यह बात ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग, आपको पता है डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होता है, पुलिस महानिदेशक। उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान निदेशक कौन है, डीजीपी कौन है, तो आपको पता है प्रशांत कुमार। चलिए पुलिस की सबसे छोटी पोस्ट आपकी कांस्टेबल के बाद आपका सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसके बाद से आपका पीएसआई, फिर आपका एएसआई, फिर आपका एसआई, फिर आपके एसआई के बाद निरीक्षक जो ट्रिपल स्टार हो जाते हैं, उसके बाद रैंक डिप्टी एसपी तक जाती है, उसके बाद से आपके जिले का एसपी होता है, मंडल का एसएसपी होता है, इस तरीके से आपके रैंक आईजी, डीआईजी, आईजी, फिर उसके बाद बढ़ता जाता है रैंक, ध्यान रखेंगे। चलिए यहां बात करेंगे भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विद्यालय कहां पे, तो आपके उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, यह बात ध्यान रखिएगा।
उत्तर प्रदेश ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को कब लागू किया था? पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो लागू किया था वो 2020 में लागू किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की बात जो शुरू की गई थी वो 1 मार्च 1951, पुलिस के लिए जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो राष्ट्रपति पदक है, ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका कहां पे है तो ध्यान रखेंगे, ये प्रशिक्षण एकेडमी आपका हैदराबाद में है। केंद्रीय पुलिस परीक्षा प्रशिक्षण आपके भोपाल में है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है तो आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने आपके केंद्रीय कारागार हैं? केंद्रीय कारागार 33 नंबर के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपके 6 केंद्रीय कारागार हैं, और आपके जिला कारागार की बात करी जाए तो उसमें 60 दिया, एक्चुअली 62 होते हैं, 62 हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोन में बांटा गया है? 35 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस को 8 जोन में बांटा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और हर जोन का जो प्रमुख होता है ना, वो हर जोन का प्रमुख आपका कौन सा होता है? तो वो हर जोन का प्रमुख आपका डीआईजी होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में। 36 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा? हर जोन का पुलिस जो होता है, मुखिया जो होता है वो डीआईजी होता है, ठीक ना। उसके बाद मैं बात करूं उत्तर प्रदेश को कितने रेंज में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को 18 रेंज में बांटा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना, ये आपका 18 रेंज है, 18 मंडल जिसकी बात करते हैं, और हर रेंज का प्रमुख आपका आईजी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं आपकी कौन सी रेंज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रेंज है जिसमें 7 जिले शामिल हैं, ध्यान रखेंगे कानपुर जिला, कानपुर रेंज है जिसमें 7 जिले शामिल हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस थाना सरायमीरा पुलिस स्टेशन कन्नौज में है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत में कुल कितने आपके पुलिस स्टेशन है? तो 16671 आपके 41 नंबर के क्वेश्चन में 16671 पुलिस स्टेशन है, और यूपी की अगर मैं बात कर दूं तो 1526 आपके यूपी में पुलिस स्टेशन है, अव्वल नंबर पे, पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं? 43 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 8 पुलिस जोन है, ये बात ध्यान रखें, कितने पुलिस जोन, तो 8 पुलिस जोन। चलिए, यूपी पुलिस के अंतर्गत आने वाला एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ध्यान रखेंगे एटीएस एंटी टेररिस्ट आतंकवादी गतिविधियों के लिए होता है। पुलिस में प्रमोशन लगभग 10 साल में आपका एक प्रमोशन मिलता है। देश में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य कौन करता है? तो आतंकवाद विरोधी देश में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का काम है, बताया ही था मैंने आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद में, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाली अपराधों की रोकथाम के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया था, और ये जो मिशन शक्ति अभियान है कब शुरू किया गया था? तो आपके 2020 में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अगर मैं बात करूं तो ये आपका 2018 में है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशिक्षण केंद्र हैं? ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रही है, 49 नंबर, तो ये कुल टोटल आपके ट्रेनिंग सेंटर आपके 8 हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी पुलिस कमिश्नरियां हैं? 50 की बात कर रहा है, कितनी पुलिस कमिश्नरियां? तो आपके 4, कौन कौन से? एक तो आपका लखनऊ है, ठीक ना, एक आपका बनारस है, समझ में आ गया, एक आपका लखनऊ हो गया, एक आपका बनारस हो गया, एक आपका कानपुर हो गया, और एक आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपके 51 नंबर, निम्न में से पुलिस स्टेशन का प्रभारी SHO होता है, पुलिस स्टेशन का प्रभारी, कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है जिले में? तो ध्यान रखेंगे जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन और कानून दोनों इसकी जिम्मेदारी होती है। यहां बात आपका पूछा गया है ना, जो उपनिरीक्षक यानी SI होता है उसे कितने स्टार मिलते हैं? तो 2 स्टार। पुलिस विभाग जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? तो SP जो होता है वो जिला स्तरीय सुरक्षा करता है। भारतीय पुलिस में पुलिस निरीक्षक के लिए कितने मिलते हैं, यानी जो आपके इंस्पेक्टर होते हैं इनके लिए आपके 3 सितारे होते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? तो पुलिस थाने का मुखिया जो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है निरीक्षक होता है, ठीक है। बात करी जाए DGP का पद चिन्ह, एक क्रॉस तलवार होता है और छड़ी के साथ एक सितारा होता है, ध्यान रखेंगे बी आंसर। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारतीय दंड संहिता की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश एक पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पर कितने सितारे होते हैं? तो इसमें जवाब आपका एक भी नहीं होता है। तो ये पुलिस से संबंधित आपके GK हैं, ध्यान रखिएगा, इससे बाहर आने की संभावनाएं तो नहीं है,
एक बार आप इस चीज को बार बार देख करके रट लीजिएगा, इससे आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरीके की और सीरीज में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।